तो हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पे 2 मिलियंस लाइक आ चुका है 12 घंटे के अंदर में। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और बिल्कुल सिंपल किस तरह से आप इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। दिया जलाएं। हेलो हेलो, हाँ दिया, मैंने गाड़ी ले ली है, सरकारी नौकरी लग चुकी है मेरी, दो तो गर्लफ्रेंड है मेरे पास। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मोदी जी ने बोला दिया को जलाना है। ये वीडियो देख लिए, यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल उसी साउंड पे वीडियो शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपको इस वीडियो को प्राइवेट में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उस वीडियो को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को आपको 27 से 28 सेकेंड तक कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट में आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फुल स्क्रीन पे कर देना है। लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की को इनेबल करना है और यहाँ पे जो 28 दिख रहा है इसे आपको कुछ इस तरह से 50 कर देना है और आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट किए थे टिकटॉक एप्लीकेशन के साउंड से और जिस वीडियो का आपने प्राइवेट में अपलोड किए थे और जो डाउनलोड किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे आपको सेंड टू बैक कर देना है। और इस वीडियो में दोनों वीडियो में आपको साउंड ऐड है तो किसी एक वीडियो का साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो मैं साउंड को म्यूट कर देता हूँ। फाइनली जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं क्योंकि ये वीडियो फिलहाल में ट्रेंडिंग में आया है। सेटिंग पे क्लिक करना है, आईडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।